ये देखो बारिश हो रही है और ठंड है, इतनी तेज हवा चल रही है, फिर भी न्यूयॉर्क में देखो लोग कैसे इस रेडी पे खाना खाने के लिए लाइन में लगे, और कितनी लंबी लाइन है। हम 8,000 रुपए खर्च रहे देखने के लिए कि सिटी कितनी महंगी है, वो पूरे वर्थ इट हो। मेरी जेब में से एक डॉलर नीचे गिर गया, पीछे घूम के उठाने लगा इतने में, और इतने वो ऑलरेडी उठा लिया था। मतलब इंडिया की 1,000 करोड़ रुपए कीमत है अपार्टमेंट की। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। मैं हूं फिलहाल अभी न्यूयॉर्क, द मोस्ट पॉपुलर सिटी इन द वर्ल्ड, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द बिग एप्पल। न्यूयॉर्क पूरी दुनिया में मोस्टली सभी लोगों की एक ड्रीम डेस्टिनेशन है, और जैसे कि आप लोग जानते हो मैं हर देश में जाके एक वीडियो बनाता हूँ कि ये देश कितना महंगा है, फिर यहाँ पे हम इंडिया के 500,000 रुपये में क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली न्यूयॉर्क में हम कुछ भी नहीं ले सकते, मतलब बहुत थोड़ी चीज़ ले पाएंगे उतने पैसे में। तो मैंने डिसाइड करा यहाँ की वीडियो बनाने के लिए कि ये देश कितना महंगा है, मैं $100 स्पेंड करने वाला हूँ। 100 US डॉलर्स इंडिया के हुए लगभग 8,000 रुपये अभी के रेट के हिसाब से, और हम सभी वो चीज़ें करेंगे जो मतलब एक टूरिस्ट को ज़रूरत पड़ती है जिन चीज़ों की, जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इधर से उधर जाना, कॉफ़ी लेना, पानी पीना, या कोई सोवेनियर खरीदना, या किसी रूफटॉप बार पे जाना, या न्यूयॉर्क की जो पॉपुलर चीज़ है जैसे यहाँ का पिज़्ज़ा बहुत पॉपुलर है तो वो खाना, किसी फूड कार्ट पे जाना। तो ये सारी चीज़ें हम जो जिन जिन चीज़ों के लिए न्यूयॉर्क पॉपुलर है वो सारी चीज़ें करने वाले हैं। लेकिन उसके जो सबसे चीपेस्ट ऑप्शन जो मैंने ढूंढे या जो सबसे पॉपुलर चीज़ है न्यूयॉर्क की, हम वो करेंगे ताकि जो $100 है हम 8,000 रुपये खर्च रहे देखने के लिए कि सिटी कितनी महंगी है, वो पूरे वर्थ इट हो। मतलब हर चीज़ अपन बेस्ट देखे और आपको मैं सबसे अच्छे और सबसे सस्ते ऑप्शन बता सकूं। वैसे तो न्यूयॉर्क में लिटरली हर चीज़ के पैसे लगते हैं और हर चीज़ बहुत महंगी है। यहाँ की स्काईलाइन काफ़ी पॉपुलर है, तो आपको बिल्डिंग के ऊपर भी जाना है, हर जगह एंट्री फीस है, मतलब कई कई डॉलर है, $40-50 तो ऐसे यूँ लग जाते हैं। लेकिन चिंता ना करो, इस वीडियो में एकदम सही चीज़ें दिखाऊँगा आपको मैं, सस्ती सस्ती बहुत चीज़ें कर सकते हैं। न्यूयॉर्क सिटी में ना इधर से उधर मूव करने का सबसे सस्ता और बढ़िया तरीका है ये सिटी बाइक्स जो आप सामने देख रहे हो। मतलब प्राइवेट बाइक्स भी यहाँ पे है, पर ये सिटी बाइक दिन के $15 लगते हैं इसके, और आप 30 मिनट की राइड एक बारी में कर सकते हो, और किसी भी जगह इसको आप दोबारा पार्क कर सकते हो। इसके लिए आपको फ़ोन में लिफ्ट ऐप है, ये ऐप है लिफ्ट, इधर टैक्सीज भी चलती है ऊबर और लिफ्ट की, तो ये लिफ्ट ऐप डाल के ही आप ये बाइक अनलॉक कर सकते हो। इलेक्ट्रिक बाइक्स है बेसिकली। प्राइवेट बाइक्स भी आपको जगह जगह मिलेंगी, पर वो महंगी होती है, वो मतलब एक घंटे के $15 लगेंगे, और ये 24 घंटे के लिए आपको $15 मिल जाएगी, जिसमें आप एक बार लगातार 30 मिनट तक राइड कर सकते हो। उसके बाद दोबारा इसको जगह जगह इसकी पार्किंग है, किसी भी पार्किंग में पार्क करके फिर दोबारा आप उठा सकते हो। तो मैं एक सिटी बाइक लेने वाला हूँ इधर उधर ट्रैवल करने के लिए। हालांकि हमारे पास और ऑप्शन भी है, जैसे कि सबवे है या टैक्सी है या फिर रिक्शा भी चलती है, पर सबवे एक तो स्टेशन दूर दूर है, और जो रिक्शाज है वो सिर्फ टाइम स्क्वायर के आसपास है। टाइम स्क्वायर यहाँ से 5-10 मिनट की वॉक ही अलग ही, पर रिक्शा यहाँ पे आप हैरान हो जाओगे, एक मिनट के $8-9 लेते हैं। रेड लाइट्स इतनी है तो कहीं पास की पास भी जाओगे तो भी 10 मिनट लग जाएंगे, तो 10 मिनट के आपके सिर्फ रिक्शा के ही लगा लो $70-80 लग जाएंगे, मतलब 5-6,000 रुपये रिक्शा पे जाने के लग जाएंगे। तो इसलिए बेस्ट है ये साइकिल लो, $15 इंडिया के 1200 रुपये, लोकली आपको कहीं भी आना जाना उसके लिए बेस्ट है। स्कैन टू अनलॉक, और इसको मैंने स्कैन कर दिया, होगी क्या अनलॉक, बी सेफ। तो भाई ये मेरी अनलॉक हो चुकी है, चलो भाई। तो बाइक कर दिए मैंने वापस डॉक, अब थोड़ा सा पैदल चलते हैं। तो अब अगला खर्चा जिसके काफी लोग शौकीन होते हैं या टूरिस्ट यूजुअली पीते हैं, मैं तो अलग ही कोई ज्यादा शौकीन नहीं हूँ, वो है कॉफी। तो दरअसल कॉफ़ी के लिए मैं आपको लेके जाने वाला हूँ यहाँ पे स्टारबक्स। हालांकि मैं आपको किसी और जगह मैं ऐसी चेंज में नहीं लेके जाता जो चीज़ें पूरी दुनिया में हर जगह हो, जैसे कि स्टारबक्स इंडिया में भी होती है, पर यहाँ की स्टारबक्स ना स्पेशल है क्योंकि यहाँ पे स्टारबक्स की रोस्टरी है। अब वो क्या होता है, स्टारबक्स की रोस्टरी ना पूरी दुनिया में सिर्फ 6 है, जहाँ पे ये ताज़ा वहीं पे कॉफ़ी को रोस्ट करते हैं और वहीं पे पिलाते हैं, यूजुअली इसमें कि इनका बार भी होता है, और उन 6 में से एक न्यूयॉर्क में, जो कि सामने इधर है। ये जो आप देख रहे हो ये इधर है चेल्सी मार्केट, ये इलाका है चेल्सी मैनहट्टन में, और सामने मेरे जो आप देख रहे हो वो है स्टारबक्स रिजर्व रोस्टरी, जो पूरी दुनिया में शायद से सिर्फ 6 है जिनमें से एक न्यूयॉर्क में है। काफ़ी बड़ी है ये, अंदर इसमें मैं पहले गया हूँ और अभी आज दूसरी बार जाने लग रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। इसमें से आप अंदर कॉफ़ी ऑर्डर कर सकते हो, और यूजुअली ना इसमें बाहर लाइन लगी होती है, आज क्योंकि वीकडे है तो बाहर लाइन नहीं है, ईजिली अंदर जा सकते हो, टेबल मिल सकती है। आज तो इतनी भीड़ नहीं है क्योंकि वीकडे और दिन का टाइम है, तो टेबल मेरे को लगता है कोई ना कोई मिल जाएगा। तो भाई ये है स्टारबक्स की रोस्टरी, देखो कितनी बड़ी है, मतलब अंदर ही बहुत अच्छी, एक तो स्मेल आ रही है कॉफ़ी की। अभी ये कर नहीं रहे, इधर यूजुअली बीन्स होते हैं इसमें, और ये ऊपर जो पाइपलाइंस लगी हुई है ना,
जिसमें से कॉफ़ी बीन्स पास होते हुए दिखते हैं। ये अभी दाने लग रहे, हाँ ये रे देखो इसमें कॉफ़ी बीन्स है, कैमरे में पता नहीं आपको दिख रहे या नहीं दिख रहे इतना क्लियरली। ये पूरा उधर दाने लग रहे हैं। नीचे एक और सेक्शन है कॉफ़ी का, उधर ऊपर बार है जिधर ड्रिंक्स है लीकर वगैरह अल्कोहल, ये सेक्शन, और उधर एक और सेक्शन है। तो भाई मैंने ऑर्डर करी है कोल्ड ब्रू मॉल्ट, मेरे को तो नाम भी नहीं बताते इनको ऑफिस के, मेरी बहन ने बताई थी लास्ट टाइम, उसने पिलाई थी मेरे को, बढ़िया लगी थी, तो थी 15 पॉइंट कुछ डॉलर की। तो कॉफ़ी तो ले ली मैंने एक कोल्ड ब्रू मॉल्ट, पर मेरे को सीट अभी भी नहीं मिल रही, आज भी फुल है भाई, ये तो वीक डे पे भी। अंदर तो मिली नहीं सीट, तो मैं बाहर ही आ गया, और ये थी 15 डॉलर की, मतलब वैसे तो महंगी है 15 डॉलर एक कॉफ़ी के, कितने 1200 रुपये। मैं इतना शौकीन हूँ भी नहीं, पर हाँ न्यूयॉर्क आए तो स्टारबक्स की इस रोस्टरी में देना फिर भी वर्थ इट है। नीचे ना स्क्रीन पे आपको सारे रेट्स दिख रहे होंगे, डॉलर में कितने, इंडियन रुपीस में कितने, और हम टोटल में से कितने स्पेंड कर चुके हैं। तो ये तो थे अपने मोटे मोटे खर्चे, वो तो हो गए, मतलब 15 डॉलर कॉफ़ी के और 15 डॉलर हमने दिए साइकिल के, लेकिन वो 24 घंटे के लिए है। साइकिल और कॉफ़ी जो थी वो थोड़ी महंगी थी, 1200 रुपये 15 डॉलर, पर अब जो आने वाले खर्चे होने वाले हैं ना वो काफ़ी सस्ते होने वाले हैं। मतलब अभी हम 100 डॉलर में से 30 डॉलर तो दो ही चीज़ों पर खर्च चुके, लेकिन अब बचे हुए 70 डॉलर में हम खूब सारी चीज़ें करेंगे। तो पहले तो सबवे लेते हैं और यहाँ से चलते टाइम्स स्क्वायर की तरफ। बाकी यहाँ पे सड़कों पे आपको ये गार्बेज बैग्स बहुत ज़्यादा दिखेंगे हर सड़क पे, और थोड़ी बदबू भी आती है सड़कों पे गांजे की और गार्बेज की, और यहाँ के जो सीवर्स है ना उसमें से भी स्टीम निकलती रहती है, तो उसकी भी बदबू रहती है काफ़ी ज़्यादा सड़कों पे। मैनहट्टन में ना ये चीज़ बढ़िया है, जैसे ऊपर आप देख रहे हो वेस्ट 15th स्ट्रीट और एवेन्यू है 8, तो मतलब ढंग से बटा हुआ है पूरा मैनहट्टन, ईजिली आप जगह लोकेट कर सकते हो बिना मैप्स के भी, एवेन्यूज और स्ट्रीट्स के थ्रू। ये इधर का एक सबवे स्टेशन, नीचे जाके होते हैं सारे, तो ये रही सीढ़ियाँ नीचे जाने की। सबवे स्टेशन यहाँ के काफ़ी गंदे होते हैं तो उसके लिए प्रिपेयर रहना। बाकी मैं आपको बता दूं कि ना इधर ये मेट्रो कार्ड लगता है, ये आप इधर नीचे मशीन से ले सकते हो, मैंने ऑलरेडी ले रखा है तो मैं यही यूज़ कर लूँगा। बाकी इसकी कीमत होती है 1 डॉलर, उसके बाद पर सबवे राइड के पैसे लगते हैं 2.75 डॉलर, जो कि कितने हुए लगभग 200 रुपये पर राइड के। तो क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है मैं डायरेक्टली टैप कर देता हूँ, वरना इधर मशीन होती है उससे आप ले सकते हैं। 11 डॉलर बचे इसमें, 2.75 डॉलर लगे, और अब चाहे मैं अगले स्टेशन पर दूर जाऊँ चाहे मैं 20 स्टेशन दूर जाऊँ इतने ही पैसे लगे हैं 2.75 डॉलर। और ना अभी जैसे मैनहट्टन में ऊपर जाना तो सारी अपटाउन की तरफ होगी, और नीचे की साइड जाना हो तो वो डाउनटाउन होगी, और एसी ये सारी लाइंस है। अपने को जाना है टाइम्स स्क्वायर, जो कि यहाँ से अपटाउन है, मतलब ऊपर की तरफ है, और कोई भी लाइन ले सकते हैं, हम सी ले लेते हैं, अपटाउन एसी इधर है, तो 352 पर चलेगी शायद, यहीं पे ऑलरेडी होनी चाहिए फिर तो। हाँ ये नहीं, ये तो ई है, अपने को सी लेनी है। ये 42nd स्ट्रीट वाला स्टेशन है सबसे पास टाइम्स स्क्वायर के। ये आ गए अब हम टाइम्स स्क्वायर, वो देखो सामने। यहाँ पे ना टाइम्स स्क्वायर पे आसपास ये इस तरह की फूड कार्ट्स मिलेंगी आपको खूब सारी हलाल फूड की, ऐसे
और मतलब और जगह इतनी ऐसी रेडिया वगैरह नहीं दिखेंगी, इधर खास करके बहुत ज़्यादा दिखेंगी। पर अपन ऐसे किसी भी रैंडम कार्ट से नहीं खाएंगे, खाएंगे तो जो सबसे बड़ी है ना उससे खिलाऊंगा आपको वीडियो के माध्यम से। तो अब चलते हैं अपन इधर किसी सुपर मार्केट में पानी की बोतल खरीदने के लिए, और बाकी चीज़ों के प्राइसेस देख लेंगे। पानी अगर आप वैसे इन कार्ट से खरीदोगे ना, सुपर मार्केट से नहीं खरीदोगे, तो $2 की एक बोतल लेते हैं, कभी कभी 3 की भी, तो डिपेंड करता है। तो 150 रुपये की पड़ेगी आपको आधा लीटर पानी की बोतल अगर आप इन कार्ट से किसी से खरीदोगे। लेकिन थोड़ी सी हिम्मत करके सुपर मार्केट में चले जाओगे तो वहाँ थोड़ी सस्ती मिलेगी। वो अपन जाके देखते हैं सुपर मार्केट में क्या प्राइस है पानी की बोतल का। ये रहा मेरे सामने टारगेट, इनकी चेन है सुपर मार्केट्स की जगह जगह पूरे अमेरिका में। इसमें चलते हैं अपन। बिल्कुल टाइम स्क्वायर से 2 मिनट की वॉक भी नहीं होगी, वहीं पे काफ़ी नज़दीक है। कपड़े भी है इधर, और ये रही पानी की बोतलें वगैरह। एक बार अपन और चीज़ों का प्राइस दिखाते हैं, थोड़ा आइडिया हो जाएगा। रेट देखते हैं इसमें सुपर मार्केट में। ये है कुछ फल, ये है $2.39 ईच, मतलब एक सेब लगभग $2.50 के करीब का, यानी कि 200 रुपये का एक सेब। ये वाला थोड़ा सस्ता है, ये लगभग कितने का है, ये 110 रुपये का एक सेब है। ये वाला थोड़े महंगे यार। और क्या चीज़ है, केले देखते हैं उधर, केले सस्ते होने चाहिए। केले है $1.6 के 2 LBS, यानी कि 1 किलो से कम, लगभग 900 ग्राम केले 125-130 रुपये के। ये फिर भी थोड़े ठीक है यहाँ के प्राइसेस के हिसाब से। ये ब्रेड है तरह तरह की, एक कौन सी है, ये तो मफिन्स है $5 के। नॉर्मल ब्रेड का रेट तो दिख नहीं रहा मेरे को। डोनट्स है $4.25 के। ये है होल मिल्क, ये 1 गैलन होगा, 4 लीटर से कम, 4.25 लीटर होता है। तो ये है $5 से थोड़ा कम का, $5.25 का, यानी कि 350-400 रुपये का 3.5-4 लीटर दूध, यानी कि 100 रुपये पर लीटर लगा लो। तो उस हिसाब से बहुत महंगा नहीं है। अगर आप सुपरमार्केट से चीज़ें लोगे तो थोड़ी कम महंगी पड़ेगी, वैसे तो सारी चीज़ें महंगी है इंडिया से कंपेयर करोगे तो। ये है अंडे की ट्रे, कितने, $6 की, 480 रुपये के बार अंडे, यानी कि 40 रुपये का एक अंडा हुआ क्या शायद, हाँ 40 का एक अंडा इंडिया के। और शराबियों के लिए बियर के रेट और दिखा देता हूँ, मतलब करोना $4 गए। ये मेरे ख्याल से कितना, 550 ml का कैन आता है ना अपने, वही है शायद $4 का, $4 कितने हुए, 320 रुपये का एक बियर का कैन, ये भी 320 रुपये का, ये सारे वही है $4 के, इंडिया के 320 रुपये का। ये वाला छोटा है, ये $3 का है। सुपर मार्केट्स में आपको यहाँ पे बियर भी मिलेगी, लेकिन हार्ड लीकर नहीं मिलेंगे। अगर आपको विस्की वगैरह लेना है तो उसके लिए आपको लीकर शॉप पे जाना पड़ेगा। विस्की, जिन, वोडका और जितने भी हार्ड लीकर थे वो सुपर मार्केट में बेचने अलाउड नहीं है। ये आपको बियर वगैरह फार्मेसी में मिलेंगे, सुपर मार्केट में, पर इसके लिए आपको ID दिखानी पड़ेगी। अगर आप कोई भी बियर या कोई भी अल्कोहल वाली ड्रिंक लेते हो तो चेकआउट टाइम ID दिखानी कंपलसरी है। एक चीज़ बड़ी है यहाँ पे ना, खुद बिल बनवा सकते हैं। तो ये ले ली मैंने पानी की बॉटल, जो कि मुझे पड़ी लगभग $2 की, बाहर भी इतने की पड़ती, $2.50 या $3 की। बड़े पैक लेता ना तो वो सस्ती थी, सिंगल बॉटल चाहिए थी लेकिन मेरे को, तो वो महंगी थी, और मैंने उठाई भी है महंगे वाली। अगर बड़े पैक एक साथ ले लो तो वो $1 या उससे भी कम की पड़ती है एक बॉटल। पर चलो कोई नहीं, आप अपन देखते हैं आसपास, या तो किसी पार्क में चलते हैं इधर, क्योंकि न्यूयॉर्क में खूब सारे पार्क्स हैं। ये देखो स्पाइडरमैन दुखी हो रहा है यहाँ पे, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ये देखो इस तरह की रिक्शा चलती है यहाँ पे, पर ये बहुत महंगी है, 1 मिनट के 500-600 रुपये लेते हैं रिक्शा के। तो जिसको करोड़पति बनना है यहाँ पे आके अपनी रिक्शा लगा लो। इधर मैनहट्टन में रहना बहुत ज़्यादा महंगा है, जो ये एरिया है न्यूयॉर्क के 5 बरोज है बेसिकली, मैनहट्टन, क्वीन, स्टेटन आइलैंड, ब्रॉन्क्स और ब्रुकलिन। तो मैनहट्टन में जो एवरेज रेंट है वो $5,000 है एक महीने का, किसी डिसेंट से अपार्टमेंट का, यानी कि इंडिया के 4 लाख रुपए एक महीने का किराया यहाँ पे रहने के लिए। और आप ऐसा ही कोई छोटा सा अपार्टमेंट यहाँ पे अगर लेना चाहते हो न्यूयॉर्क में, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो $500,000 पे करने के, यानी कि 5-10 करोड़ एकदम छोटे से अपार्टमेंट के, स्टूडियो अपार्टमेंट या सिंगल रूम आप कह सकते हो, सकते हो उसमें बाथरूम भी शेड हो। और जो सबसे महंगा अपार्टमेंट है मैनहट्टन में, उसके आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इंडिया के 1,000 करोड़ रुपये पे करने के। तो अब डॉलर्स में लगा लो कितने बिलियन या मिलियन $ हुए। तो ये मेरे सामने है ब्रायंट पार्क, इसके अंदर चलते हैं और कुछ बातें करते हैं। इस तरह के काफ़ी सारे पार्क हैं न्यूयॉर्क में जिधर आप फ्री में एंटर कर सकते हो और बैठ सकते हो। ब्रायंट पार्क पॉपुलर है इधर के आसपास की स्काईलाइन के लिए। पहले तो अपन कई जगह देखते हैं बैठने की मिलती है। तो ये देखो लोग कैसे कुर्सियाँ लगा के आराम से बैठे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। इधर से सारी स्काईलाइन दिखती है आसपास की।
मैं तो यार नीचे घास में ही बैठना चाह रहा हूँ। वैसे कुर्सी भी है खाली। तो जो पार्क्स हैं न्यूयॉर्क में कई सारे, उनमें से एक पार्क ये है ब्रायंट पार्क। इधर आप आराम से आके रिलैक्स कर सकते हैं, स्काई लाइन का लुफ्त उठा सकते हैं। और सर्दियों में यहाँ पे ना एक लोकल विंटर मार्केट होती है जिसमें इधर एक स्केटिंग रिंक सी बना देते हैं और क्रिसमस ट्री भी लगता है इधर। इसके अलावा आप जा सकते हैं बैटरी पार्क, जिधर से फ्री फेरी मिलती है स्टेटन आइलैंड की, जो कि मैंने दूसरी वीडियो में कवर किया था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली न्यूयॉर्क की जो थी। और वहाँ से भी स्काई लाइन का डिसेंट सा व्यू दिख जाता है और स्टैचू ऑफ लिबर्टी का व्यू भी वहाँ से दिखता है बैटरी पार्क से। फिर आता है सेंट्रल पार्क, जहाँ पे अलग अलग इवेंट्स पिकनिक्स होते रहते हैं, प्ले ग्राउंड भी है वहाँ पे, और वहाँ पे एक लेक भी है, प्लस वहाँ पे बेलवेदर कास्टल भी है और बाहर उसके वो हॉर्स कैरेजेस वगैरह, वो भी मैंने थोड़ा सा दिखाया था पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली वीडियो। फिर है वॉशिंगटन स्क्वायर पार्क, जो कि न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी का एरिया है। उधर अलग अलग क्लब्स है, रेस्टोरेंट्स, और वो एरिया ना थोड़ा सा चीप है और जगह से अगर आप कंपेयर करो तो, क्योंकि वहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट्स जाते हैं। आमतौर पे आपको उस एरिया में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होते हुए भी दिख जाएंगे वॉशिंगटन स्क्वायर पार्क में। मेन क्रिसमस ट्री इनका लगता है रॉकफेलर सेंटर में सर्दियों के दौरान। और इसके अलावा आप हाई लाइन या ब्रुकलिन ब्रिज, मैनहट्टन ब्रिज, इन सब ब्रिजेस में जा सकते हो, जो कि ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जैसे कि ये सारे पार्क्स वगैरह न्यूयॉर्क में। तो काफ़ी सारी ये चीज़ें जो आप बिना पैसों के भी कर सकते हो, जो कि नए आदमी को नहीं बताता न्यूयॉर्क में जब आते हैं। तो ये मैंने आपको कुछ ऑप्शंस बता दिए पार्क्स के, और आप वहाँ पे क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ से अपन चलते हैं किसी रूफटॉप बार पे न्यूयॉर्क की स्काईलाइन का असली मज़ा उठाने, क्योंकि न्यूयॉर्क के रूफटॉप बार्स पॉपुलर हैं। तो अपन या तो चलते हैं किसी रूफटॉप बार पे, या फिर पहले लेते हैं सोवेनियर्स। स्वागत है एक नए दिन में। अभी तक हमने देखा एक तो वो सिटी बाइक थी $15 की, और $15 का वो स्टारबक्स था, उसके अलावा पानी की बॉटल थी $2 की, और 2 पिज़्ज़ा की सबवे राइड थी। लेकिन क्या आप जानते हैं न्यूयॉर्क सिटी पॉपुलर है अपने पिज़्ज़ास के लिए, और एक ऐसी सिटी जहाँ पे एक टाइम का खाना कम से कम $20 का आता है, $20-25, मतलब यानी कि इंडिया के आप ₹2,000 मिनिमम एक्सपेक्ट कर सकते हो किसी जगह खाना खाने के। लेकिन यहाँ पे आपको पिज़्ज़ाज मिल जाते हैं $1 का, मतलब $1 कितना इंडिया के ₹80 के अंदर आपको एक पिज़्ज़ा की स्लाइस मिल जाती है न्यूयॉर्क सिटी में, काफ़ी पॉपुलर इधर के वो पिज़्ज़ाज। तो मैं वो कोई पिज़्ज़ा की जगह ढूंढने वाला हूँ, वो 99 सेंट पिज़्ज़ा बोलते हैं उसे इधर, अपने को कहीं मिलते हैं तो वो ट्राई करते हैं। आज बारिश आने लग रही है यहाँ पे। एक येरी दुकान, ये देखो 99 सेंट पिज़्ज़ा, ये भी अपन मैनहट्टन में ही है पेन स्टेशन के पास में। हाँ, नॉर्मल चीज़ वाला है $1 का, यानी कि ₹80, बाकी फिर $2-3। तो अपन लेते हैं चीज़ स्लाइस वाला, बेसिक ही लेते हैं एक। कैन आई हैव द $1 स्लाइस? थैंक यू, सॉरी। तो भाई ये है सिर्फ ₹80 का पिज़्ज़ा न्यूयॉर्क सिटी में, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो? लास्ट टाइम भी मैं आया था, पर तब मैंने $2-3 वाली स्लाइस ली थी। तो ये जो अपन जो चीज़ें कर रहे हैं $100 में आप क्या क्या ले सकते हो वहाँ पे, उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, सस्ती चीज़ों में अगर आप ज़्यादा कुछ करना चाहते हो, आपको भूख लगी और आप एक क्विक स्नैक लेना चाह रहे हो चलते चलते, बहुत हेल्दी फूड भी इतना इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे, तो आप एक पिज़्ज़ा स्लाइस ले सकते हो। मैं खा के टेस्ट हो जाता हूँ इसका। या सॉरी, इसमें चीज़ है, टमाटर है, और ये फ्रेश है, तो काफ़ी टेस्टी लग रहा है अभी तो, मतलब गरम गरम है। जब मैं पिज़्ज़ा ले रहा था ना, तो मेरी जेब में से $1 नीचे गिर गया, $1 का नोट, और मेरे को पता था नीचे गिर गया, मैं पीछे घूम के उठाने लगा, इतने में औरत ने वो ऑलरेडी उठा लिया था, और वो चलने लग रही थी उठा के, उसे लेके जा रही थी, मैंने उसका हाथ पकड़े, वो नोट वापस किया, तो बोली हाँ मैं तो आपको ही देने लग रही थी, फिर बोली मेरे से वापस दोगे, मैं तो आपको दे रही थी। कमाल लोग यार। फिर मैं बोला चल तू रख ही ले। तो अब जैसा कि आप मेरी हर वीडियो में देखते हो, किसी भी देश में सिटी में मैं जाता हूँ या कोई भी टूर जाता है, तो उधर के सोवेनियर लिए बिना वापस आना वहाँ जाना अधूरा होता है। तो अब मैं लेना चाहता हूँ न्यूयॉर्क सिटी के सोवेनियर्स। यहाँ पे वैसे काफ़ी दुकानें हैं, कोई भी ठीक सी दिखेगी उसमें घुस जाएंगे। अपन इसमें चलते हैं NYC गिफ्ट्स में, जिसके साथ में भी एक और पिज़्ज़ा की दुकान है, रोज़ास पिज़्ज़ा। ये भी शायद पॉपुलर है काफ़ी, पर इधर शायद $1 का नहीं है। इसमें चलते हैं अपन। तो भाई मेरे को पोस्ट कार्ड लेने थे, बाहर तो जो पोस्ट कार्ड है वो $1 के 10 पोस्ट कार्ड है, और अंदर $1 का एक पोस्ट कार्ड है अंदर वाले जो है।
जबकि अंदर वाले इतने कुछ खास भी नहीं थे, मेरे को तो यही ठीक से लग रहे हैं। ज़्यादा अच्छे तो ना अंदर है ना बाहर है बाकी। तो मैंने तो ये 10 पोस्ट कार्ड ले लिए $1 के। ये कुछ मग्स है $7 का एक, दो लोगे तो $12 के, यानी कि वही इंडिया के ₹500 का एक मग। मिनी लाइसेंस प्लेट $10 की दो, यानी कितनी, ₹800 की दो, एक ₹400 की। ये वाले मग्स फिर भी ठीक है बाकी। ये न्यूयॉर्क सबवे की मैग्नेट है $7 की एक, लेकिन $12 की दो, दो मैग्नेट भी ले चलते हैं अपन। ये थी 13 की, तीन मैंने तीन ले ली, और ये पोस्ट कार्ड, बस ये बहुत है। बाकी टी शर्ट्स और हुडीज भी यहाँ पे। तो मैंने ले लिए सोविनियर्स कुछ, उसमें $1 का टैक्स भी था, तो $15 के पड़े, जिसमें तीन फ्रिज मैग्नेट और $1 के 10 पोस्ट कार्ड। मैंने कभी नहीं सोचा था इतने सस्ते पोस्ट कार्ड खरीदूंगा कभी, वो भी न्यूयॉर्क में। ये वैसे हैदराबाद के थे जो लोग इस पे काम कर रहे थे, या शायद फोन भी जो करते वो भी शायद हैदराबाद के ही थे। अब अपन कितने पैसे स्पेंड कर चुके हैं, मेरे ख्याल ऑलमोस्ट 50 के राउंड अपन कर चुके होंगे। अभी अपने को एक तो रूफ टॉप बार पे जाना है, रूफ टॉप बार से नज़ारा देखना न्यूयॉर्क का, वहाँ पे एक ड्रिंक तो लेनी पड़ेगी एटलीस्ट, और यहाँ की जो हलाल कार्ट से एक फेमस हलाल कार्ट पे खाना खाना है। इसके अलावा टैक्सी के रेट आपको दिखाने हैं, प्लस इनकी किसी और पॉपुलर ईटरी पे जाके कुछ छोटा मोटा जो अच्छी ईटरी हो और जिधर सस्ता खाना मिलता हो वो चल के आपको दिखाना है। इस रीजन में ना काफ़ी सिक्योरिटी है, सेंटर के आसपास आपको जगह जगह न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट की गाड़ियाँ दिखेगी। वो देखो पीछे भी एक दाने लग रही है, ये अलग ही बहुत अजीबोगरीब लोग भी आपको देखने में मिलेंगे यहाँ पे। अब अपन चलते हैं ट्रैम लेके रूजवेल्ट आइलैंड चलते हैं, और उस ट्रैम की कीमत भी वही बस वाली होती है शायद, बाकी अभी अपन चढ़ के देख लेंगे। वो केबल कार सी है बेसिकली, तो वो केबल कार ना क्वींस और मैनहट्टन के बीच में जो आइलैंड है रूजवेल्ट आइलैंड, उधर लेके जाती है, और उधर खूब सारे बार्स वगैरह, रूफ टॉप बार है, काफी सस्ता और अच्छा ऑप्शन है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। वैसे तो ऑलरेडी खूब सारे रूफ टॉप बार्स है न्यूयॉर्क में, लेकिन मैं जान करके उधर नहीं लेके जा रहा आपको, क्योंकि या तो बहुत ज़्यादा महंगे है, या फिर उधर से इतना अच्छा व्यू नहीं आता, या फिर कई मतलब रूफ टॉप बार्स नहीं है, बिल्डिंग्स है, उन बिल्डिंग्स में आपको एंट्री टिकट देनी होती है $40-50 सिर्फ बिल्डिंग में जाने की और फिर ऊपर रूफ टॉप पर जाने की। ये है सामने वो ट्रैमवे का स्टेशन या केबल कार का, जो अपने को रूजवेल्ट आइलैंड ले जाएगा। वो थोड़ा सा दूर है इसलिए ना गैप सा बन जाता है, तो स्काईलाइन अच्छे से दिखती है। अब इसकी एंट्री देखते हैं कहाँ से है। और ये ना सबसे वर्थ इट चीज़ मेरे को लगती है न्यूयॉर्क की पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, एक तो फेरी है, फेरी आपको स्टेटन आइलैंड फ्री में लेके जाती है, लेकिन उसके बाद कोई चीज़ है तो वो ये वाली ट्रैम है। उधर से चलती है लोड होके, लाल रंग का बक्सा सा, और इस केबल के थ्रू वो आगे रूजवेल्ट आइलैंड पे जाती है। मतलब इसकी कीमत सिर्फ $2.75 है, जो कि सबवे की या बस की टिकट है उतनी, ₹200 में आप न्यूयॉर्क सिटी की स्काईलाइन देखते हुए इस केबल कार का लुफ्त उठा सकते हो। पहले कंपलसरी होते थे, अब कोई जरूरी नहीं, आप चाहे लगाओ चाहे ना लगाओ। किसी को अगर दोबारा वापस जाना है मैनहट्टन की तरफ, तो बाहर निकल के आगे इससे दोबारा एंट्री करके लाइन में लगना पड़ेगा, मतलब एक बार तो बाहर उतरना ही पड़ेगा, अगर ये फुल हो जाती है तो अगली बार ही आना पड़ेगा फिर। तो उतर गए हम रूजवेल्ट आइलैंड, ये देखो पीछे कितना खूबसूरत है ना, मतलब हरा भरा शांति से, मैनहट्टन में तो बहुत भीड़ भड़ाका था। इसकी कीमत थी सिर्फ $2.75 जैसे मैंने बताया, और यहाँ पे ना न्यूयॉर्क में बहुत टाइम से कंपटीशन चलता है पिज़्ज़ा के प्राइस में और सबवे की राइड के प्राइस में, कभी पिज़्ज़ा महंगा हो जाता है, कभी सरकार की तरफ सबवे की राइड के प्राइस ज़्यादा हो जाते हैं। तो मतलब अभी फिलहाल $1 का पिज़्ज़ा है, सबवे की राइड है $2.75 की, सबसे सस्ता पिज़्ज़ा $1 का, बाकी $2-$5 के पिज़्ज़ा है। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ एक रूफ टॉप बार पे, और उधर बैठ के अपन कोई ड्रिंक ऑर्डर करेंगे और स्काईलाइन का लुक उठाएंगे इससे पहले कि अंधेरा हो जाए। इधर ना कॉर्नेल टेक कैंपस है, ये कॉर्नेल यूनिवर्सिटी आईवी लीग की एक यूनिवर्सिटी है, तो उनका जो टेक कैंपस है ना वो शायद इंडिया की टाटा के साथ कोलैबोरेशन में कुछ ऐसे है, मेरे को ऐसा सुनने में आया था। मेरे फादर भी कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं,
1998 के अराउंड शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ। और ये यहाँ से नज़ारा है इस ब्रिज का और स्काई लाइन का। हम ब्रिज के इस तरफ आ गए, ये ईस्ट रिवर यहीं पे, और ये रहा ग्रेजुएट होटल। इस होटल में चलते हैं अपन, इसके रूफ टॉप पे एक बार है पैनोरमा नाम से शायद, उधर बैठते हैं। तो भाई होटल में एंटर किया मैंने, और एंटर करते ही सिक्योरिटी थी, मतलब रिसेप्शन, मैंने बोला मेरे को रूफ टॉप पे जाना है पैनोरमा पे, वो बोले सिक्योरिटी के पास जाओ आपको ले जाएंगे। तो सिक्योरिटी वाला आया, बोला आईडी है, मैंने अपना इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस दिखाया, पासपोर्ट तो मैं कैरी नहीं कर रहा था, बोला हाँ आई गॉट यू, और बोला जाओ ऊपर। तो अभी ऊपर चलते हैं अपन और देखते हैं स्काईलाइन न्यूयॉर्क की, और एक ड्रिंक तो लेनी पड़ेगी, खाली हाथ नहीं बैठ सकते। तो भाई मैंने ली है एक ये बियर जो कि थी $12 की, लेकिन मैंने दिए $15 क्योंकि यहाँ पे टिप देना एक तरह से कंपलसरी होता है यूएस में 20%। तो $15 की अपने को ये ड्रिंक पड़ी, लेकिन नज़ारा देखो आप, वाह। बाकी आप यहाँ पे आके कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो, ये इनका मेन्यू है, मैंने मेन्यू उठा लिया था एक, $10, $11, $12 की ड्रिंक्स है, जैसा कि आप देख सकते हो $12, $14, $23 की भी है कुछ ड्रिंक्स जो महंगी ड्रिंक्स है, और ये है $21, $20, $19। तो आप ड्रिंक्स का थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो, मतलब 10-12 की तो आएगी ही मिनिमम ड्रिंक कोई भी, प्लस टिप दोगे तो $15 आप मान के चलो। इधर पैनोरमा में आप एक ड्रिंक ले सकते हो और ये नज़ारा देख सकते हो। तो $15 यानी कि इंडिया के कितने, 1200 रुपये लगे अपने, और वर्थ इट है डेफिनेटली, बहुत मज़ेदार जगह है, ना इतनी भीड़ और काफ़ी अच्छा है ये बार सा, और बाहर बैठ के ओपन में अलग ही मज़ा है। ये जो बीच में आप देख रहे हो ये है ईस्ट रिवर, जो कि बाद में जाके नॉर्थ अटलांटिक ओशन में मिलती है। ये वीडियो बनाने में ना मेरे को ऑलरेडी 3-4 दिन लग चुके हैं, क्योंकि पहले मौसम ख़राब था, मैं वीडियो स्टार्ट नहीं कर पाया था, फिर जब करी फिर उसके बाद एक दिन में सारी चीज़ें कवर नहीं हो सकती, और मेरे को ये $100 ना बहुत वाइजली स्पेंड करने हैं ताकि आप लोगों को बेस्ट चीज़ें दिखा पाऊँ, सस्ती सस्ती चीज़ें न्यूयॉर्क। उम्मीद करता हूँ आप ये एफर्ट्स अप्रिशिएट करोगे, बाकी अभी तो अपन और भी जगह चलेंगे, और हर जगह ना दूर दूर से, यूँ नहीं था कि एक ही जगह मैं आपको सारी चीज़ें दिखा दूँ जैसे कि मोस्टली सिटीज़ में या कंट्रीज़ में होता है। न्यूयॉर्क सिटी काफ़ी फैली हुई है और सारी चीज़ें दूर दूर है, तो काफ़ी ट्रैवल करना पड़ रहा है, कभी सबवे में, कभी ट्रेन में, कभी ट्रैम ली। जैसा मैंने पहले भी बताया, न्यूयॉर्क के 5 बरोज है, क्वींस, स्टेटन आइलैंड, मैनहट्टन, ब्रॉन्क्स और ब्रुकलिन। तो मेरे लेफ्ट साइड में वो है क्वींस, और राइट साइड में वो है मैनहट्टन, और बीच में ये है रूजवेल्ट आइलैंड। ये नज़ारा ना आपको मैनहट्टन में से कहीं नहीं मिलता, क्योंकि ये बिल्डिंग ना अड़ जाती है आपस में एक दूसरे के आगे, और अभी क्योंकि अपन अलग आइलैंड पे आ गए तो कुछ भी अड़ नहीं रहा बीच में। देखो कितनी आसानी से सारी बिल्डिंग्स एक लाइन में दिख रही है, और ये क्वींस भी दिख रहा है और मैनहट्टन की स्काईलाइन भी दिख रही है, इसलिए मैं आपको इधर ले गया, मज़ा आ गया इधर आके। तो अभी कुछ चीज़ें अपनी बच रही है $100 में से, मेरे ख्याल से अभी भी अपने पास $35 बच रहे हैं, जो कि अपने को एक बार तो टैक्सी पे स्पेंड करने पड़ेंगे, क्योंकि हर टूरिस्ट को एक बार टैक्सी के लिए पे करने पड़ते ही है कहीं ना कहीं। उसके अलावा जो मैंने आपको स्ट्रीट फूड की कार्ट दिखाई थी उसमें से बेस्ट कार्ट पे आपको लेकर चलूँ। तो अभी मैं आया हूँ 6th Avenue पे, और अपन चलेंगे 50th Street पे, अडेल्स फेमस हलाल फूड खाने के लिए। यहाँ पे जो ये रेडियो होती है हलाल फूड की, इनमें मोस्टली वैसे नॉन वेजिटेरियन ही मिलता है, पर न्यूयॉर्क काफी पॉपुलर है अपनी इन रेडियो के लिए, टाइम स्क्वायर पे जैसे मैंने आपको दिखाया था खूब सारी रेडियो थी। चल के अपन उसका हलाल फूड खाते हैं, चलो। ये आप देख पा रहे हो 48th Street, ये आ गई 49th Street, वैसे तो इसी पे होता है 49th पे, पर उनके इंस्टाग्राम पेज में मेंशन कर रखा है कि अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है 49th Street पे, तो शायद हम 50th Street में मिलेंगे, तो देखते हैं। लाइन लगी हुई है उसकी लंबी से, अलग से दिख जाएगा। ये रहा भाई कहीं पे शायद वो लगी हुई लाइन, आज संडे है तो लोग फिर भी कम है, क्योंकि लोग अपने घरों में आराम कर रहे हैं। दिखाता हूँ आपको फिर भी लाइन, लेकिन एक बारी ये देखो, ये लाइन लगी हुई है न्यूयॉर्क की सबसे पॉपुलर हलाल फूड कार्ट पे या फिर रेडी पे। आज तो संडे है फिर भी कम है भीड़, वरना और दिनों इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, अपने को भी इसी लाइन में लग रहा है। एक बार बस आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये मेरे ख्याल से ना अरब है लोग जो खाना बनाते हैं, इजिप्ट क्या कहीं के लग रहे थे मेरे को, इनके अरबी लग जाते हैं वो अपन लाइन में। वीकडे पे आओगे ना आप या फिर लेट नाइट आओगे तो भीड़ कम मिलेगी, अभी तो शाम के 7 बजे लाइन में खड़े 15 मिनट होगी, और ठंड बढ़ती जा रही है, प्लस बारिश भी आने लगी थोड़ी थोड़ी, भीड़ बढ़ती जा रही है। Can I have a chicken over rice? Yellow or spice? Sir, spice rice. Red, red. 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 Red
तो फाइनली मैं आपको टाइम दिखाता हूँ, 7 बजे मैं लाइन में लगा था, 1.25 घंटे बाद लाइन में लगने के फाइनली मेरे को मिल गया। लाइन देखो आप, अभी भी लोग और आते गए, लाइन बढ़ती गई। और ना जैसे उधर रोड पे गाड़ियाँ खड़ी थी कई सारी, मैं कंफ्यूज था कि भी ये गाड़ियाँ इतनी कैसे खड़ी है। ये देखो इधर ना बहुत महंगी महंगी गाड़ियाँ खड़ी थी, सड़क पे लगी हुई थी लाइन में, मैं सोच रहा था पता नहीं किसकी गाड़ी है। अब पता चला ये सारे इस पे खाना खाने आए थे। देखो ये गाड़ियाँ पार्क करके आप, जैसे लोगों की लाइन लगी थी वैसी ये गाड़ियों की लाइन लगी थी। ये देखो लोग और भी आ गए। तो ये खाना था $9 का, अभी खा के दिखाऊंगा आपको कैसा है। बेसिकली चिकन ओवर राइस है ये, पर उस हिसाब से बहुत ज़्यादा सस्ता है न्यूयॉर्क के हिसाब से, $9 में, और सबसे पॉपुलर फूड कार्ट थी ये। बाकी मुझे नहीं लगता मैं ज़िंदगी में कभी भी अगर ये वीडियो ना बना रहा होता तो 1.25 घंटा लाइन में लग के चिकन और चावल ले रहा होता पर चलो कोई नहीं, घेवर होता तो शायद मैं लग जाता इतनी देर लाइन में। सिर्फ आप लोगों के लिए मैंने लाइन में लग के दिखाया, क्योंकि $1 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूयॉर्क में जब हम स्पेंड कर रहे हैं। तो ये खा के मैं आपको एक बार टेस्ट और बता देता हूँ। $9 कितने अपने इंडिया के, 720 रुपये शायद, जो कि काफ़ी सस्ता है। न्यूयॉर्क में $20 से कम आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा खाने का। इसमें ऊपर ही इनकी गार्लिक सॉस सी है, नीचे चिकन है और चावल है, कुछ इसमें ब्रेड के पीसेज भी इन्होंने डाल रखे। देखो ये ब्रेड है, बाकी मैं खाता हूँ एक सेकेंड। बारिश दोबारा स्टार्ट होगी। टेस्टी हर सही में, काफ़ी अच्छा टेस्ट होगा, डिलीशियस, मज़ेदार है खाने में, वर्थ था इतनी देर लाइन में लगना। बाकी यार कैसे इतनी ठंडी हवा चल रही थी, बारिश भी आ रही थी, लोग कैसे लाइनों में लगे हुए थे। कहीं मैं शेल्टर था देखता हूँ, शेल्टर के नीचे बैठ के ख़त्म करता हूँ। तो चिकन और वो चावल से खा लिए, मोस्टली लोग उसमें ब्राउन ही थे, मतलब अपने इंडियन पाकिस्तानी बांग्लादेशी टाइप लग रहे थे मेरे को तो ज़्यादातर, या फिर अरेबिक लोग भी थे कुछ, यहाँ के वाइट लोकल अमेरिकन नहीं थे मेरे ख्याल उसमें, बहुत रेयरली थे। अब ना अपने पास आखिरी के $15-20 बच रहे हैं, उसमें अपन को एक तो टैक्सी लेनी है, तो टैक्सी लेके अपन पहुँचते हैं एक जगह कुकी खाने। दरअसल न्यूयॉर्क ना और US भी स्पेशली कुकीज़ के लिए काफ़ी पॉपुलर है, छोटे छोटे बच्चों को स्कूल्स में कुकीज़ वगैरह बनाना सिखा देते हैं और कुकीज़ खाने यहाँ पे काफ़ी रिवाज है। तो उन्हीं में से एक पॉपुलर जगह जिधर हम कुकी खाने जाने वाले हैं वो है लेवेन बेकरी के नाम से। तो लेवेन बेकरी की मैं उबर कराता हूँ, उधर पहुँच के अपन उनकी स्पेशल कुकी खाते हैं और तब इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो लेवेन बेकरी एम्स्टर्डम एवेन्यू कितनी दूर है, 2.8 किलोमीटर है, 11 मिनट का रास्ता, और इसकी उबर देखते हैं कितने की हो रही है। अपनी लोकेशन से हो रही है $15, यानी कि लगभग इंडिया के 1200-1300 रुपये की होने लग रही है 3 किलोमीटर से कम की, इसे मैं कन्फर्म करता हूँ। तो भाई अपना ड्राइवर आ रहा है काजी। वैसे ना न्यूयॉर्क में येलो टैक्सी भी चलती है जिनमें आप डायरेक्टली बैठ के मीटर के हिसाब से चल सकते हो, बाकी ऊबर भी एक ऑप्शन है, फिर लिफ्ट एक ऐप है ऊबर की तरह ही, उससे भी करा सकते हो। हाय हाउ आर यू, यू नो रेडियो सिटी एंग्जिस दिस साइड आल्सो। आह ओके, दैट्स व्हाई एंड आई ट्राइड टू कॉल यू बट दिस नॉट गोइंग। या आई थिंक इट्स एन इंडियन नंबर। आई नो दैट व्हेन आई कॉल आई थिंक। या वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम बांग्लादेश। ओह लवली, या नेबर। यस, तो भाई ये आ गई अपनी बेकरी जिधर से कुकी लेने वाले। सेपरेट बैग में भी है। एनीथिंग एल्स फॉर यू? सॉरी, एनीथिंग एल्स? नो दैट्स इट। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड नाइट। तो ये ले लिया अपन ने 2 कुकी $10 की, लेकिन टिप भी दिया मैंने तो $11.50 की पड़ी टिप के साथ। एक कुकी लगाओ आप, $5 की थी एक कुकी। तो ये है इनकी चॉकलेट चिप वॉलनट कुकी $5 की, लेकिन काफ़ी हैवी है, काफ़ी भारी है, एक में मतलब पेट भर जाएगा आपका। बढ़िया लगी यार मेरे टेस्ट में, काफ़ी सही है। यहाँ पे ना क्रिसमस पे और थैंक्स गिविंग पे मतलब काफ़ी रिवाज है कुकीज़ बनाने का और आपस में देने का बांटने का। कुकी लेने से पहले ना अपने खर्च हुए थे शायद $93 एग्जैक्टली, और $7 बचे थे बस। कुकी लेने के बाद अपने ऑलमोस्ट $100 पूरे खर्च हो गए न्यूयॉर्क सिटी में। तो भाई ये थी आज की वीडियो, मेरे ख्याल से आज तक मैंने जितनी वीडियोस बनाई ना उनमें से सबसे मुश्किल वीडियो यही थी, इतने एफर्ट्स किसी वीडियो में नहीं लगे। आप न्यूयॉर्क में किसी भी जगह पर जाके एक ही जगह पर आपके $100 खर्च हो सकते हैं बहुत ईजिली, कुछ भी नहीं है यहाँ पे वैसे, पर इन्हें बहुत अच्छे से इन्वेस्ट करना था। तो अपन ने $100 में सिटी बाइक ली 24 घंटे के लिए, कॉफ़ी ली स्टारबक्स रोस्टरी की चेल्सी से, सबवे राइड $2.75 और $1 का पिज़्ज़ा खाया, $2 की पानी की बॉटल ली। उसके अलावा हमने $15 के सोवेनियर्स लिए, रूजावेल ट्रैम वे की वो ट्रैम ली, और उसके बाद रूजावेल आइलैंड में जाके उस बार में रूफटॉप बार में $15 की ड्रिंक ली। उसके बाद हमें डेल्स चिकन पे हमने वो चिकन और राइस लिया $9 का, टैक्सी ली
और फिर अब फाइनल ये कुकी, तो जाके हमारे $100 खत्म हुए। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आए होंगे, वीडियो भी पसंद आई होगी। वक्त हो गया रात के 9:30, मैं घर पे जाके सोचता हूँ, बहुत ज़्यादा हिम्मत लगी इस वीडियो के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप यू हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।